ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, उसमें मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करते हैं और डी ब्लॉक में भी ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट गिवन है, ठीक है। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, लॉजिक होता है, रीजन होता है। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन करते हो और मैं आपका आंसर नहीं कर सकता तो मैं भी कैसा आंसर करूंगा कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा सब कुछ, मतलब उसमें एक्सेप्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब मैंने पहले बताया था, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस से पी में हम इसके जरिए ट्रांजिशन करते हैं। या अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते थे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग क्या पढ़े, आप लोग रिडक्शन प्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन पढ़ते थे। मतलब किसी मटेरियल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसी का रिडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। रिडक्शन प्रोडक्शन किसका ज्यादा होता है, आप लोग के पास नॉन मेटल के, तो अगर किसी मेटल का रिडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वो आप लोग के पास पी ब्लॉक की तरह मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था, और जिसका रिडक्शन प्रोडक्शन कम तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ज्यादा, जिस तरह लीक करता सबसे ऊपर था, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये मेटल आप लोग के पास एस और पी में क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, या इसके एस से हम पी में इसके जरिए ट्रांजिशन करते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। आप वेट करें, आप सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो, अब देखिए, अगर सपोज मैं आप लोग के बुक का जो सीरीज है, मतलब 3D सीरीज, उन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर मैं ये ले लूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड व्हाट जिंक, ये हमारे पास क्या है, शाबाश, 3D सीरीज आपको के बुक का जो फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक का वो ये है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखते हो तो ये क्या होता है, शाबाश, 21 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द अपर प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको इससे डिफरेंशिएट करेगा, तो ये डी सबशेल में क्या करता है, इंटर करता है, इसी वजह से हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और डी सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस साइड पर जब आप जाते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3d2, इसका 3d3, इसका 3d4, इसका 3d5, इसका 3d6, इसका 3d7, इसका 3d8, इसका 3d9 और इसका 3d10, ठीक है। ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में डिस्कस करते हो कि यहां पर एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, ये सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, डी सबशेल में आ रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, जी इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन मतलब बिल्कुल इसी तरह होगा, 4s2 हो जाएगा, ये भी 4s2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ भी 4s2, ये भी 4s2, ठीक है, इसी तरह मतलब 4s2 और 3d में आता है, n-1 d होता है। अगर आप देखते हो तो 4s में और 3d में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप नॉन मॉडल पढ़े तो वहां पर आप ये पढ़ देते, जब हम अगले जाए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सो द एनर्जी गैप बिटवीन द टू पार्ट इज डिक्रीजेस, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन मतलब कभी एस से डी में, डी से एस में, इसमें क्या होता है, शाबाश, ट्रांजिशन होता है। अगर ट्रांजिशन होता है तो इसी वजह से जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी तरह आप लोगों के पास मेटालिक करैक्टर, ठीक है, इस तरह आप लोगों के पास मिलते हैं क्वाइट, ये चीजें, इसमें इररेगुलरिटी आती है। आप इस तरह नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आप लोगों के पास इस साइड पर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा, मतलब बोलते हैं इंक्रीज होता है फिर ट्रांस होता है फिर डिक्रीज होता है, इस तरह बोलते हैं कि नहीं। ये इररेगुलरिटी की वजह क्या है, इररेगुलरिटी की वजह जो है वो है 4s और 3d में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, शाबाश, ट्रांजिशन होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखते हो तो 4s से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाता है, 4s2 से, मतलब ये 3d4 होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर देता है, तो ये 1 हो जाता है, और यहाँ पर क्या, शाबाश, ये 5 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड मतलब विकेट आर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये ट्रांजिशन कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस ये डी आर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, ये इसकी सिमेट्री क्या होगी, शाबाश, मतलब बराबर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ, और एस ऑर्बिटल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। तो अगर आप लोग के घर में क्या हो, मतलब दो मोटरसाइकिल हो, एक नया हो एक पुराना हो, तो अगर नए में कोई चीज खराब हो जाए तो पुराने से निकालने, सिंपल सी बात है, तो अनसिमेट्रिकल से निकालोगे ना, इसकी सिमेट्री को बराबर करने के लिए,
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किसका हो जाता है, जावा शेयर हो जाता है क्रोमियम का। बाकी इस तरह इसका 4s2 3d5 3 4s2 3d6, इसका 3d7, इसका 3d8, यहाँ पर 3d9 आया। तो मैंने क्या बोला कि इसका क्या हो जाएगा, शाबाश, इसका हो जाएगा 4s1 3d10, क्योंकि इस डी ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या हुई, बराबर हुई और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम था, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांजिशन कर सकता था। अब यहां पर देखो, मतलब अगर आप कार्बन देखते हो तो कार्बन का क्या होता है, 2s2 2p2, तो यहां पर भी तो ट्रांजिशन होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखते तो ऐसे देखते हैं, इस तरह क्यों नहीं देखते 2s1 और 2p3, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास 2s और 2p में जो एनर्जी गेट है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियस के तो मैं हमने बोलते जब हम अवे जाए 4s और 3d में कम होता है, इसमें तो ज्यादा होता है। फिर जब हम बोलते हैं कि इसके साथ मतलब वो अगर हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ये वो एनर्जी गेन कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, शाबाश, ऑक्साइड हो जाता है। या कोई अगर कोई एटम अप्रोच करता हो तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगी, क्योंकि एनर्जी गेन बिटवीन द 2p एंड 2s क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम था तो ट्रांजिशन क्या, और इस ट्रांजिशन की वजह से आप लोगों के पास इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें क्या आती है, इररिडेबिलिटी आती है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इररिडेबिलिटी है, आप देखो ना, ठीक है। तो अगर आपसे हमसे क्वेश्चन किया जाए कि हमारे पास जो इररिडेबिलिटी है क्या है, इररिडेबिलिटी, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इररिडेबिलिटी एंड व्हाट इन द periodic properties, ठीक है, मतलब ionization energy, ये सब atomic size, ये periodic properties is due to what, less energy gain between 4s and 3d। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, जिसकी वजह से properties क्या होती है, जब चेंज होती है, ठीक है, तो ये इसका एक रीजन है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर हम इतराज का पीरियड जाए तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आप उससे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं सपोज में इनमें मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, शाबाश 3d1, मतलब यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, शाबाश आप लोगों के पास है कितने, शाबाश 2, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने, शाबाश आप लोगों के पास है 4, या ओके तो अगर मैं आपसे आप लोगों से क्वेश्चन करोगे, अगर मैं इक्रॉस द पीरियड जाऊं तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए, तो देखिए आप लोगों के पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जस्ट मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी करते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है, मतलब वहां पर जस्ट मेटालिक होता है, यहाँ पर मेटालिक के साथ साथ क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होते हैं, शाबाश ज्यादा होते हैं। अब जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा उतना उसकी क्या होगा, शाबाश, उतना उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर आप देखते हो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो क्या, ये क्या है, शाबाश 4s2 3d1, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितने, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर इसमें 3d2, मतलब यहाँ पर 2 अनपेयर हुए, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास कितने हो जाते हैं, शाबाश, यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाते हैं, मतलब आप देखते हो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आप लोग के पास एक यहाँ और ये 5 हो जाते हैं, मतलब 3, तो यहाँ पर आप लोग के पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कोई ऐसा मेटल है जिसका 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, इम्पॉसिबल है, यहाँ पर इसके क्या है, इसके 5 है, इसके क्या हो जाते हैं, इसके 4 हो जाते हैं, इसके फिर शाबाश 3 हो जाते हैं, इसके 2, इसके 1 और इसके 0 हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, क्रोमियम में है, तो क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस एक ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, अगर आप देखते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इक्रॉस द पीरियड जाए तो हमारे पास क्या होता है, शाबाश इंक्रीज होते हैं, इसमें एक था, इसमें दो था, इसमें 3 थे, और इसमें डायरेक्ट क्या होता है, शाबाश आप लोगों के पास हुए 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एक उसमें शिफ्ट होता ऑटोमेटिकली, 2 ये हुए और 4 उसके साथ आप देते, तो यहाँ पर आप लोग के पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शाबाश ज्यादा होगा, तो सबसे हाईएस्ट इसका होता है। देखो तो 3 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले क्या होता है,
भाषा भाषाओं के पास में स्पीड इंक्रीज होता है, फिर डिग्री स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया पर, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो सबसे कम मिलते पॉइंट जिंक का होता है, क्योंकि इसमें कोई अनपेड परीक्षण नहीं है अगर आप देखते हो, ठीक है ना। तो देखिए मतलब यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि अगर आपसे पूछे कि विच वन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो क्रोमियम का होगा, और लोवेस्ट किसका होगा, तो जिंक का होगा, क्योंकि उसमें कोई अनपेड परीक्षण नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर आप देखते हो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप कैसे मतलब इसको देखिए, मैं यहाँ पर ये छोटा तो यहाँ पर बस मैं लिखता हूँ कि निर्माण के इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि मेरा तो प्रॉपर्ली सब ठीक है, जीरो का लिंक करेगा करने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है, दशमांश के पास होता है 4s2 और 3d1 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, दशमांश 4s2 और 3d2, इसका 4s2 और 3d 3, इसका 4s1 और 3d5, इसका 4s2 और 3d5, इसका 4s2 और 3d6, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 4s2 और 3d7, इसका क्या हो जाएगा 4s2 एंड व्हाट 3d, शाबाश 8, इसका 4s1 और 3d10, इसका क्या हो जाएगा 4s2 एंड व्हाट 3d10, ठीक है। इसका ऐसा हो जाएगा, तो देखिए अगर आप लोगों के पास यहाँ पर देखते हो तो सबसे पहले अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एस से जाएगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि वो फोर्थ है, लास्ट है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लास्ट से जाता है। तो देखिए अगर लेट्स सपोज एस में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन आएगा, लेकिन अगर एस में दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट प्लस टू आएगा, मतलब इग्निशन में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास S में एक इलेक्ट्रॉन जिसमें सोडियम में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, लेकिन इग्निशन में दो है तो वो दोनों के दोनों को लूज करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक लूज कर रहे इतना करे, नहीं यहाँ पर दोनों के दोनों को लूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है, तो यहाँ पर जस्ट क्रोमियम और आप लोगों के पास जो कॉपर है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो देखो एग्जामिनर को वो चालू होता है, ये तो सबको पता होता है कि प्लस सेवन मतलब हाईएस्ट स्कोर शो करता है, सिंपल सी बात है, लेकिन ये प्लस वन मतलब जस्ट क्रोमियम और कॉपर ऐसे है जिसके एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस वन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास आप लोग के बुक में तो इसका प्लस टू गिवन है, लेकिन इसका प्लस टू पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस थ्री होते हैं, प्लस टू क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एल्यूमिनियम देखते हो तो एल्यूमिनियम का कैसा होता है, शाबाश, या मतलब अगर 3s2 और 3p1 होता है ना, तो मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज है तो ये भी लूज होगा, क्योंकि मतलब अगर आप एल्यूमिनियम देखते हो, लेकिन फिर अगर इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर ये लूज नहीं करेगा, फिर एक एक लूज कर सकता है, लेकिन अगर लेट सपोज एस में हो और आप लोगों के पास तीन एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्लस 3 आता है, प्लस 2 नहीं आता, सिर्फ एल्यूमिनियम पर प्लस 2 पॉसिबल नहीं है, अगर आप देखते हो बिल्कुल इसी तरह स्कैंडियम पर भी, क्योंकि यहाँ पर एक डी के साथ कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये भी लूज होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपके बुक में गिवन है इसका प्लस 2 में, प्लस 2 में इसका प्लस 3 से स्टार्ट होता है, प्लस 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस 2 क्योंकि यहाँ पर एस में दो इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करेगा, डी में तो दो है ना, ठीक है, अब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ठीक है, प्लस 3 तक जा सकता, प्लस 3 तक डायरेक्ट क्या होते हैं इसीलिए कार्य नहीं करता, मतलब वो भी डायरेक्ट चार लूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका भी प्लस 2 होता है, इसका भी क्या होता है, शाबाश, इसका प्लस 1 और प्लस 2 दोनों होते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांजिशन मतलब वो इस तरह होता रहता है। इसका भी क्या, शाबाश, प्लस 2, इसका भी क्या, शाबाश, आप लोगों के पास प्लस 2, इसका भी क्या हो जाएगा, शाबाश, प्लस 2, इसका भी क्या, शाबाश, आप लोगों के पास ये क्या होता है, ये आप लोगों के पास प्लस 2 शो कर सकते हैं और ये भी प्लस 2 शो कर सकते हैं। तो एक मतलब ये दोनों क्या कर सकते हैं, वन वन शो कर सकते हैं, और दो मतलब जस्ट ये नहीं कर सकते, बाकी सब प्लस 2 शो कर सकते हैं। अब ये प्लस 3 शो करेगा, क्या मतलब प्लस 3 करते दो ये लिखान और एक ये लिखान, ये इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये कितना मतलब ये आप लोगों के पास प्लस 3 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये प्लस 3 कर सकता है, बिल्कुल कर, मतलब अब एक एक लूज करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहां पर हमारे पास एस में दो इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने, शाबाश, डी में आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज मैंने माना ये आयन के मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका मिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पॉसिबल है, प्लस 2 ये और 1 2 3 4 4 ये, मतलब प्लस 6 तक जा सकते हैं और आयन का 6 तक जाता है, ठीक, मतलब डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन और एस के दो इलेक्ट्रॉन के बराबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सिंपल सी बात, बस
मतलब अगर आप क्या देखते हो, मतलब अगर मैं सपोज यहाँ पर निकल ले तो निकल का ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, वो 4s2 होगा और इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन है, शाबाश, निकल में 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसमें कितने अंक हो गए, आप देख ले 1 2 3 4 5 6 7 तो 3 ये और 2 ये तो प्लस 5 तक जा सकते हैं, वरना आप चेक करके देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्लस 3 कौन सोच कर सकता है, ये भी कर सकता है, इससे मीडियम पेयर है तो ये भी कर सकता है, 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 आप लोग के पास कॉपर में भी पॉसिबल है, लेकिन जिंक प्लस 3 शो नहीं कर सकता। और ये इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, अगर इस स्टेट में किसी के साथ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो क्या होगा, वो आप लोग के पास टिपिकल ट्रांजिशन इलेवन होगा, वरना नहीं होगा, डी ब्लॉक इलेवन होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो आप वो मतलब आप डिफिनेशन से रखते हो कि अगर आप डाउन स्टेट में या उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसके साथ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, वो आप लोग के पास ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये प्लस 2 इसके साथ तो फोर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये प्लस 2 नहीं कर सकते, ये प्लस 4 करेगा, ये करेगा, ठीक है, ये करेगा, बिल्कुल करेगा, ये करेगा, मैंगनीज करेगा, शाबाश, ये करेगा प्लस 4, ये कर सकता है, इसके 3 और 2 हां बिल्कुल प्लस 4, अब ये कर सकता है, आपके पास निकल तो निकल 2 ये और नहीं ये अब नहीं कर सकते, इसलिए आप यहां पर 2 अनपेयर हो 2s, तो यहां पर ये बस प्लस 4 इस मतलब जा रहा है, यहां इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस पे क्या 5, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के बस ये इसका मैक्स होता है, यहाँ पर देखिए 2 3 प्लस 5 ये भी कर सकता है, ये बी प्लस 5 कर सकता है, ये कितने कर सकता है, ये बी प्लस 5 कर सकता है, ये कितने कर सकते हो, 2 ये और 4 इसके अनपेयर होंगे तो ये प्लस 6 कर सकता है, प्लस 5 हो जाए, ये प्लस 5 कर सकता है। ठीक है, ये और लेकिन ये कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास 2 अनपेयर और 2 ये 4 तक ये कर सकता है। ठीक है ना, हाँ ये 4 तक पूरा कर अरेंज कर 4 तक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम तो खत्म हुए, लेकिन ये प्लस 6 कर सकता है, बिल्कुल ये कर सकता है, क्योंकि 1 ये और 5 इसके अंदर ये के कर सकता है, शाबाश, ये क्यों, क्योंकि 2 ये और 5 ये, तो ये भी प्लस तो कर सकते हैं ना। अब ये देखिए ये कितने कर सकता है, 4 और 2, शाबाश, ये कर सकता है, प्लस 6 कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं करेगा। लेकिन अब देखिए प्लस 7 कौन कर सकता है, तो आप ये इसके तो 6x6 यूज हुए, प्लस 7 जस्ट इसमें मैंगनीज कर सकता है, तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ अगर हम वो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 और जाएगा, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर में इसके साथ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में तो वो ट्रांजिशन होगा, बाकी नहीं होगा। जिंक के नीचे मतलब जो तीनों थे वो नहीं होते और स्कैंडियम वाले नहीं होते, इनके इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 और प्लस 3 में इसके साथ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अच्छा